हेलो दोस्तों नमस्कार। फाइनली मारुति ने अपनी सक्सेसफुल एसयूवी मारुति विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट वेरिएंट अनवील कर दिया है। दोस्तों ये नई आने वाली मारुति विटारा ब्रेजा में आपको काफ़ी सारे नए चेंज मिलने वाले हैं, खासकर तो इसके एक्सटीरियर में आपको काफ़ी सारे नए चेंज मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार में आपको इंजन में चेंज मिलने वाला है, इसके इंटीरियर में आपको चेंज मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी कार के बारे में बात करेंगे। जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं इस कार में मिलने वाले इंजन के बारे में। तो ये नई आने वाली विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 1.5 लीटर BS6 कंप्लायंट 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको 104 BHP का पावर मिलेगा और 138 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन दिए जाएंगे। अब अगर बात कर ले इस कार में मिलने वाले माइलेज के बारे में, तो एक अंदाजित इस कार में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 17 KMPL तक की माइलेज क्लेम की जाएगी और ऑटोमेटिक में आपको 18 KMPL तक की माइलेज क्लेम की जा सकती है। चलो दोस्तों अब अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एक्सटीरियर में इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसकी डायमेंशन की बात करते हो ये डायमेंशन के मामले में पुरानी विटारा ब्रेजा जैसी ही रहने वाली है। इसके डायमेंशन में आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। अब अगर बात करें इसके एक्सटीरियर में इसके लुक के बारे में, तो इसके एक्सटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन ग्रिल मिलने वाली है, बीच में आपको सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL मिलने वाली है, नीचे आपको LED में फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में और रियर में न्यू वाली स्किड प्लेट मिलने वाली है, ऊपर आपको शार्क फिश एंटीना मिल जाएगा। न्यू वाले इसमें आपको LED में टेल लैम्प मिलने वाले हैं, डीफोगर ग्लास एंड वॉशर वाइपर मिल जाएगा, बोथ साइड प्लास्टिक क्लैडिंग मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको R60 इंच के न्यू वाले एलो व्हील भी मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखें तो दोस्तों इस कार के एक्सटीरियर के लुक काफ़ी शानदार होने वाले हैं। अब अगर फ्रेंड बात कर लेगी नई वाली विटारा ब्रेजा में मिलने वाले इंटीरियर के बारे में, तो ये कार में आपको नया वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, FM USB एंड ऑक्सिलरी जैसे शानदार फीचर्स को। फ्रेंड्स इसके अलावा इसके इंटीरियर में आपको पुश स्टार्ट टॉप बटन, ऑटो क्लाइमेट AC, सीट हाई एडजस्टेबल, टिल स्टेयरिंग, ऑल स्टेयरिंग कंट्रोल, रियर सीट बैक पॉकेट, कप होल्डर, वायरलेस चार्जर, कूल ग्लो बॉक्स जैसे शानदार फीचर्स इसके इंटीरियर में भी आपको मिलने वाले हैं। अब अगर बात कर ले इस कार के सेफ्टी के मामले में, तो ये कार में आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इस कार में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक आसिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, हिल हुल कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटो डोर अनलॉक जैसे शानदार सेफ्टी के सारे फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाले हैं। अब अगर फ्रेंड बात कर लेते हैं इस कार की प्राइस की, तो 7.9 लाख से शुरू होकर 11.5 लाख तक इस कार की प्राइस जाने वाली है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।